स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। कॉट 4x साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल्स टू कॉट x साइन 5x माइनस साइन 3x। स्टूडेंट्स, हमें इसमें प्रूफ करना है कॉट 4x साइन 5x प्लस साइन 3x किसके इक्वल है, कॉट 3 कॉट x साइन 5x माइनस साइन 3x के। तो हम इसमें ले लेंगे, सबसे पहले हम LHS को प्रूफ करेंगे, ठीक है। LHS स्टूडेंट्स, कभी कभी हमारा क्या होता है, सिर्फ LHS को प्रूफ करके हमारा RHS इक्वल टू नहीं आता, तो हम क्या करते हैं LHS को भी सॉल्व करते हैं और RHS को भी सॉल्व करते हैं और दोनों को इक्वल लेके आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा LHS और RHS दोनों ही अनसॉल्व्ड हैं, दोनों ही हमारे एक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इसलिए हम दोनों को ही प्रूफ करेंगे। पहले हम LHS को लेते हैं। cot 4x sin 5x प्लस sin 3x, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, sin x प्लस sin y आपको दिख रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, cot 4x, cot को sin और cos के फॉर्म में हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो cot को हम क्या लिख सकते हैं, cos 4x अपॉन sin 4x और साइन ए प्लस साइन बी का हम फार्मूला लगा सकते हैं, मतलब साइन एक्स प्लस साइन वाई का क्या फार्मूला होता है हमारा, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 साइन एक्स हमारा क्या है 5x और वाई हमारा क्या है 3x, तो 5x प्लस 3x अपॉन 2 एंड cos 5x माइनस 3x अपॉन 2, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। हम इसको क्या कर देंगे, cos 4x अपॉन sin 4x क्या हो जाएगा, 2 sin 8x अपॉन 2 cos 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल एंड 2 4 जा, तो हमारा इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 4x अपॉन sin 4x मतलब 2 sin 4x cos x। अब sin 4x यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है और यहाँ पे डिवाइड में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, cos 4x मीन्स 2 cos 4x cos x, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे RHS, अब LHS हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है, हम अब हम ले आएंगे RHS को, ठीक है। अब हम RHS सॉल्व करेंगे। RHS में हमें क्या गिवन है, cot x sin 5x माइनस sin 3x, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी सेम बिल्कुल एज इट इज़ उसकी तरह सॉल्व कर देंगे, ठीक है। cot x को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में मीन sin और cos की फॉर्म में लिख देंगे, हम इसको लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x और यहाँ पे हम लगा सकते हैं sin a माइनस sin x माइनस sin y का फॉर्मूला, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 2 cos x हमारा क्या 5x, 5x प्लस 3x अपॉन 2 माइनस sin 5x माइनस 3x अपॉन 2, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x 2 cos 8x अपॉन 2 माइनस sin 2x अपॉन 2, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल इसे 4, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos x, ये मल्टीप्लीकेशन रहता है, ठीक है, cos x अपॉन sin x 2 cos 4x इंटू sin x। अब यहाँ पे sin x हमारा मल्टीप्लीकेशन में भी और यहाँ पे डिवाइड में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जो बचेगा वो होगा cos 2 cos 4x cos x, ये देखिए हमारा ये और हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। तो LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव, यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया।